शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यार करते हैं बस। आज से अंजलि मेरे नाम का सिंदूर नहीं लगाएगी और आज के बाद अंजलि से मैं अपनी धर्म पत्नी होने के सारे अधिकार छीनता हूं। आप लोगों ने जो कुछ भी देखा उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो खुद अंजलि से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, पर ये समझती ही नहीं। बार बार हर बार मुझे मजबूर करती है यूं अकेले में मिलने के लिए। अब देखिए, जैसे आज ही हुआ, इसने मुझे मजबूर किया मार्केट में आने के लिए। मैं मना कर रहा था पर ये मुझसे चिपक और कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपना बना लो। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? कब बुलाया हमने तुम्हें मिलने के लिए? अरे कब हमने तुमसे कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं? नफरत करते हैं हम तुमसे, क्योंकि तुम बहुत ही गंदे घटिया इंसान हो। हमारी जिंदगी में आयो, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सच तो ये है कि असल फसाद की जड़ तुम हो। तुम मुझे कितना भी बुरा भला कह लो अंजलि, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम इतने शरीफ कब से हुए भाई? हैं? तुम भी तो अंजलि को चाहते थे और पूरी तरह से इसके पीछे पड़े थे। हाँ मामा जी, पड़ा था मैं इसके पीछे, पर जैसे ही मुझे पता चला ये मेरे भाई की पत्नी है, मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। मुझमें भी इस घर के संस्कार हैं, इतना नीचे थोड़ी ना गिर सकता हूं मैं। हमारा सर फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है। मुकेश, उमा, अब भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी तुम अपने बेटे की जिंदगी सुधार सकते हो। इस लड़की को अब इस घर से दफा कर दो, वरना ये हम सबको बर्बाद करके ही दम लेगी। वेल्डन पार्टनर, आज का दिन अंजलि की बर्बादी का सबसे बड़ा दिन था। जाने में जबरदस्ती हमसे कोई ये सब करवा रहा है।
दोबारा शांति से सोचना होगा, शांति से सोचना होगा, शायद कोई सबूत मिल जाए। हमें अच्छे से याद है कि गोपाल जी की पोशाक का मटेरियल लाने के लिए हम बाजार गए थे। हमने यश जी और रिजा को भी उसी तरफ जाते हुए देखा था। फिर हम बाजार के लिए निकल गए थे। यहाँ तक हमें सब कुछ साफ साफ याद है, लेकिन इसके आगे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? दिमाग पर इतना जोर डालेगी तो दिमाग सचमुच फट जाएगा। वैसे एक नेक सलाह दूं तुझे, चली जाए इस घर से, वरना यूं ही सोचते सोचते तू पागल हो जाएगी। वैसे भी तेरे पागलपन की शुरुआत तो हो ही चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद पूरी पागल होकर तू सड़कों पर भटकती हुई मिले। इसीलिए कह रही हूं, अपना बोरिया बिस्तर समेट और चली जाए यहां से। तेरी भलाई के लिए कह रही हूं अंजलि, चली जा। रिचा, बार बार हमें पागल घोषित करने वाली बात क्यों कह रही है? इसके पीछे कहीं इसका और आदित्य का हाथ तो नहीं है? कहीं आदित्य और रिचा मिलकर हमें पागल बनाने की बात तो नहीं सोच रहे? लेकिन ऐसे कैसे, कैसे हमें कुछ याद न होने के बावजूद हम उस आदित्य को गले लगाते हुए दिख रहे हैं? ये किसने माना हमारे हाथ में? कहीं कोई हमारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर रहा है? यश जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यश जी, हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, आप प्लीज दरवाजा खोलिए। यश जी, आपको हमारी कसम, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। यश जी, मैं आपको बहुत बहुत जरूरी बात बतानी है। चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। यश जी, आप हमारी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यश जी, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये देखिए ना, देखिए यश जी, हमारे हाथ में जल्द से किसी ने काला धागा बांध दिया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ कब क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए तो, मुझे अंजलि की आवाज से भी चिढ़ हो गई है। मैंने उसे सच्चा प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। हमें लग रहा है कि इस काले धागे की वजह से हमारे साथ कुछ भी घटता चला जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यश जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना, हमारी बात सुनिए ना, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। जो भी हो रहा है उसमें जरूर रिचा का भी हाथ है। मम्मी यश जी से दूर करना चाहती है। गोपाल, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये तो सचमुच बहुत बड़ी बात है कि यश ने अंजलि को सुहाग की निशानी मिटाने के लिए कह दिया। चलो देर से ही सही, यश के सर से अंजलि का भूत तो उतरना शुरू हुआ, लेकिन अब भी वो मनुष्य अंजलि इस घर में रह रही है। रिचा बेटा, तू अपने आप को थोड़ा बदल, इन मॉडर्न कपड़ों को छोड़कर अंजलि की तरह साड़ी पहनना शुरू कर। पहनावे से भी सामने वाले की सोच पर बहुत फर्क पड़ता है। अंजलि को हमने कितनी बार बदनाम किया, लेकिन फिर भी अपने पहनावे और हाव भाव के चलते वो हमेशा भोली भाली और शरीफ दिखती है। बात तो सही है मम्मी, कुछ तो बात है उस अंजलि में जो वो हमेशा बचकर निकल जाती है। यश तो उसकी तरफ देखता तो नहीं था, लेकिन देखो
उसकी पत्नी बन गई है वो। हमेशा उसकी औकात से ज्यादा मिले है उसे। जब भी वार करो हमेशा बचकर निकल जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी किस्मत को मोड़ना अब हमारे हाथ में है। भैरवी जी ने उसे सिर्फ एक ही बार वश में किया है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज कर सकती है उसके साथ। अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। इस वक्त यश अंजलि से नफरत करता है, और जब तक वो उससे नफरत करता रहेगा हमारा काम आसान हो जाएगा। आप जितनी जल्दी हो सके भैरवी देवी से बात करके कुछ ऐसा करो कि वो पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे बाहर निकाल दें, और फाइनली फिर मैं यश की हो जाऊं। ऐसा ही होगा ऋचा, तो बहुत जल्द यश की पत्नी और इस घर की बहू बनेगी। सूर्य अस्त के बाद भैरवी जी ने अंजलि का कोई सामान साथ में लाने को कहा है। बहुजी और ऋचा इतनी बुरी सोच रखते हैं हमारे लिए। अंजलि ने वो मंत्र वाला थाका भस्म कर दिया है। शायद वो जान गई है कि हम उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। प्रणाम गुरु मां, ये कंगन। अंजलि ने वो मंत्र वाला थाका जला दिया है, शायद उसे पता चल गया है। क्या? उसको कैसे पता चला? मैंने आपको कंगन दे दिए, बस अब कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब घर वाले उसे घर से धक्के देके बाहर निकाल दें। ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमारे गोपाल है ना,
उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी उन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया जिससे कि हम अपनी आंखों से देख सकते कि आप हमें बर्बाद करने के लिए किस हद तक गिर सकती हैं बहू जी। अब ये जादू टोना, अब ये सब करवा रही है जिससे कि ये जी हमसे नफरत करने लग जाए। आपका खेल खत्म हुआ बहू जी। हम अभी के अभी हम सबको बताएंगे कि आपने हमारे खिलाफ कितना घिनौना षड्यंत्र रचा है। सबको बताएंगे। ये सत्यानाशी यहाँ पर कहाँ से आ गई? गुरु माँ जल्दी से कुछ करिए नहीं तो ये हमारा भांडा फोड़ देगी। देखते हैं, कुछ करते हैं हम ताकि वो किसी को सच न बता पाए। हम सबको सच बता देंगे। यश जी को फोन करते हैं अभी। यश जी प्लीज हमारा फोन उठाइए। हमें आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। हमें आपको सच बताना है। अंजलि तो अब तक घर भी पहुंच चुकी होगी, कहीं उसने सब कुछ बता ना दिया। प्लीज गुरु माँ जल्दी से कोई टोना टोटका करिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एकदम चुप, वरना तुझ पे कोई मंत्र फूंक दूंगी मैं। कहा ना कुछ करती हूं मैं। कौन मैं प्रेम? तो निश्चिंत होके घर जा। वो अंजलि अगर कुछ बोलना भी चाहे तो मुंह नहीं खोल पाएगी। प्रणाम गुरु मां। अंजलि अंजलि बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ माँ वरना अपनी तबीयत खराब कर लेगी। ताई जी मुझे मेरे यश की चिंता हो रही है। इन सारे झंझटों में मेरा बेटा पिस रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, खुद को कमरे में बंद करके बैठा है। हाँ जिसकी पत्नी गुलछरे उड़ाएगी तो क्या करेगा बेचारा। तुम समझाओ माँ यश को, उसको बोलो कि वो अंजलि को तलाक दे दे, उसे घर से बाहर निकाल दे,
क्योंकि वो बेशरम खुद से तो इस घर से कभी नहीं जाएगी। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। किसकी आत्मा आ गई इसके अंदर? बहुत जलील किया, बहुत प्रताड़ित किया। बस अब अंजलि अपने घर वालों के विरुद्ध इतना जहर उगलेगी, इतना जहर उगलेगी कि सुनने वालों के कान फट जाएंगे और उसके बाद उसके घर वाले स्वयं उसे घर के बाहर निकाल देंगे। अंजलि बोलो, आज अपने दिल की भड़ास निकालो। अंजलि, अंजलि बोलो, मेरी बात सुन रहे हो? अंजलि, हम इस घर में बहू बनकर आए हैं, एक दिन के लिए भी हमें बहू का दर्जा नहीं दिया। नौकरानी की तरह हमें स्टोर रूम में बंद किया, हम पर हाथ उठाया, शारीरिक और मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया, सबने हमें गलत साबित किया। अंजलि, ये क्या पागलपन है? देखिए ना, देखिए ये अंजलि कैसी हरकतें कर रही है। आप दोनों जानते थे कि बड़ी दादी हमें प्रताड़ित करती, लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। हमें वीडियो दिखाया कि हम उस आदित्य से प्यार करते हैं, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। कह नहीं सकते थे सबके सामने कि अंजलि ऐसी नहीं है। किसी ने हमारे लिए मैं प्रताड़ित करने वालों में सबसे अव्वल नंबर तो आपका है। कभी हमारी आंखों में मिर्ची डाली, कभी हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं, तो कभी हमें मान से मारने की कोशिश करती है। अब इंसान है कि हम सब पर कोड़े बरसाएंगे। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।